गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सो टुडे असेंबली थीम इज हेल्थ इज वेल्थ। कि असली धन आपकी हेल्थ ही है, दैट इज द थीम ऑफ टुडे असेंबली। एंड शेखर हैज कोटेड महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बोला था कि जो असली वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है, ना कि पीसेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। तो जो ये थॉट है इसका बहुत डीप मीनिंग है। That we always running towards those materialistic things which is not the real wealth. And if in case our body is not healthy, we will be unproductive. We will not able to do any work. अगर हम unhealthy हो गए तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय में अगर हम बात करें हेल्थ के ऊपर, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है। और रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज में, टीवी में या न्यूज पेपर में पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा इशू एयर पोल्यूशन का हो चुका है। और न्यूज पेपर में लिखा हुआ है दिल्ली हैज बिकम अ गैस चैम्बर। So why it is such a serious issue? Why Supreme Court and the people who talk about environment are taking it so seriously? अभी आप लोगों का ट्रिप जाने वाला था दिल्ली में, आज का दिन निर्धारित था बट इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो सबसे पहले समस्या क्या है कि जो डीजल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करती बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो और हमारी हेल्थ अच्छी हो। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस क्यों हैं? अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो, अगर पेरेंट्स आपके जो खेत किसान हैं कि पराली जलाई नहीं जाएगी, कुछ भी कूड़ा आप मत जलाइए जिससे कि प्रदूषण कम हो सके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बारे में मेंशन है दैट इट गारंटीज द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मींस राइट टू हेल्थ। तो ये हम सबका ऑब्लिगेशन है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन करें। अगर हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं तो हम तो हेल्दी रहते ही, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हेल्दी रहते हैं। So from time to time, our government and the different departments come up with different kind of schemes and policies. Recently, अभी एक कोट हमने महात्मा गांधी के बोला, और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर we celebrated it as a स्वच्छ भारत अभियान also, कि जहाँ पर सभी लोग झाड़ू लगाएं, अपने आसपास के एनवायरमेंट को क्लीन रखें। आई थिंक इसके बारे में तो सभी बच्चे अवगत होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन एनवायरनमेंट, तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग कोशिश करते हैं कि आपके आसपास के सराउंडिंग्स क्लीन रहें, साफ रहें? क्लास थर्ड क्लास फोर्थ मुझे नहीं लगता कि आप इतना ध्यान देते हैं इस बात पर, क्योंकि आपकी क्लास से ढेर सारा कूड़ा निकलता है, पेपरों का, पेंसिल्स, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक चेंज जिसके लिए आई विल एप्रिशिएट द